यहीं शाम को 6:06 पे मैं यहीं पे तो खड़ा था, एग्जैक्टली यहीं पे। तो जो गांव में एक प्रेम राम जी हैं वो इधर से चलते हुए आ रहे थे, उससे पहले मैं छत पे था, तो मोर ने कॉल किया। जब मैं यहाँ आया तो दूर मुझे वहाँ झाड़ी में टाइगर जाता हुआ दिखा। टाइगर दिखा आपको? टाइगर मुझे दिखा। तो किल से हटाए नहीं हो? हाँ, किल से तो नहीं हटे। तो विभाग वाले फिर रात को नहीं आए, फिर दूसरे दिन सुबह आए। अच्छा, तो चलिए आपको एक बहुत डेंजरस जगह पे लेके चलते हैं। इस टाइम पे मोस्टली हम जाते नहीं हैं। अच्छा, फिर आपको लेके चल रहे हैं। दो रूट है, एक रूट है गांव के अंदर अंदर से निकल जाना जहाँ भैंस मार रखी है वहाँ पे, दूसरा रूट है इस जंगल से पूरा ट्रैक करते हुए जाना। हाँ, तो हम जंगल के रूट से चलेंगे। जंगल के डेंजरस रूट से चलेंगे है देख, और हमारे को कुबेर जी लेके चलेंगे। होता है ना रॉक पाइथन, उसका घर देख लेंगे। ये होल जो है देखो अंदर तक कहाँ तक गया। अरे भाई साहब, इसमें होगा क्या अंदर? अब वो आपने लकड़ी हटाया ना अभी, उसके नीचे से बहुत सारे दीमक निकली। यहाँ जितनी भी लकड़ियाँ हटाओगे ना। हाँ, इतना ट्रैक है ये जंगल के अंदर है नंबर का भी। अब हम जंगल के अंदर, मतलब ये पूरी तरह से टाइगर टेरिटरी है पूरा। जो जो टाइगर यहाँ पे मार रहा है वो यहीं तो मार रहा है। अच्छा, खतरा किधर से? इधर से कि उधर से? खतरा, आप खतरे पे खड़े हो बस। खतरे पे ना, ये नहीं देखना कहाँ खतरा है। अच्छा, कहीं से भी उछल के आएगा। और टाइगर लेपर्ड नहीं, समझे भी ये देख रहे हो आप, ये सब दौड़ने के। ये दौड़ भाग के लेफ्ट उसके नीचे भागता है ना, पकड़ वगैरह। ये किस चीज़ का काटा? ये शाही का है क्या? हाँ, ये शाही से ही है ना। हाँ, उठा लो उसको। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोडना टाइगर। रोडना टाइगर के इस एपिसोड में मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ जिम कॉर्बेट में, और जिम कॉर्बेट में सीताबनी जोन में हूँ। सीताबनी जोन में मैं द एरावत में हूँ। लास्ट एपिसोड में आपने देखा मैंने द एरावत इस फार्म हाउस कम फॉरेस्ट कॉटेज का मैंने आपको एक वर्चुअल टूर दिया था, साकेत जी से मिलवाया था, जो यहाँ के ऑनर हैं और जो यहाँ पे सारा काम देखते हैं और नॉर्मली बुकिंग्स भी वही करते हैं। अभी इस वाले एपिसोड में मैं ट्रैकिंग के लिए जाने वाला हूँ। मेरे इस तरफ सामने की तरफ, मतलब ये मेरा कमरा है पीछे और ये सामने जंगल है। ये जंगल जो है ये सारा इधर, ये इस तरफ भी है, यहाँ पे भी है और इस कमरे के पीछे भी है। ये सारा तरफ जंगल है और यहाँ पे इस जगह पे गांव है, कुछ घर जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं। और अगर मैं आपको प्रॉपर जंगल आपको दिखाऊं तो ये है जंगल का एरिया सारा, और ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये पीछे सारा कुछ जंगल है। और मैं अभी इस वाली लोकेशन पे इस तरफ ट्रैकिंग के लिए जाने वाला चलने में। अब यहाँ जंगल तो है ही, जंगल में तो खैर जंगल जितना खूबसूरत होता है उतना डरावना भी होता है, होता है ना। खासकर ऐसी जगह पे जहाँ हो, आपको पता है कभी भैंस मार रहा है, वो छत से हम लेपर्ड की वीडियो बना रहे हैं। अभी अपना टाइम होता ही सब निकल जाएंगे अपने गाँव को। ये जो भैंस वैस है ये चरने के लिए छोड़ते हैं ना, इसी में से तो उठाया था एक को, यहीं से तो पीछा शुरू किया था। अच्छा, यहीं शाम को 6:06 पे मैं यहीं पे तो खड़ा था, एग्जैक्टली यहीं पे। तो जो गांव में एक प्रेम राम जी हैं वो इधर से चलते हुए आ रहे थे, उससे पहले मैं छत पे था, तो मोर ने कॉल किया। जब मैं यहाँ आया तो दूर मुझे वहाँ झाड़ी में टाइगर जाता हुआ दिखा। टाइगर दिखा आपको? टाइगर मुझे दिखा। टाइगर दिखने के बाद प्रेम राम जी और एक कुत्ता आ रहा था उनका, तो उनको मैंने रोक दिया यहाँ पे। प्रेम राम जी को रोक दिया, कुत्ता तो खुद ही रुक गया। अच्छा, उसने स्मेल कर लिया ना। हाँ हाँ। उसके मैंने उनको बोला देखो कुत्ता कैसे कर रहा है। हाँ। उसके बाद कुत्ता यहाँ से पूंछ दबा के निकल लिया, उन्हीं का कुत्ता। हाँ। आया नहीं इधर। हाँ। फिर वो यहाँ से गए, उसके ठीक 20 मिनट बाद भैंस को टाइगर ने किल कर दिया, वही जो टाइगर यहाँ से जा रहा था। अच्छा, जो मैंने वीडियो बनाई है अपनी, वो मतलब बेसिकली किसी के पीछे ही होगा, देख वो इसीलिए पीछा करते हुए जा रहा था। कितने टाइगर है यहाँ पे इस लोकेशन में? देखो 52 टाइगर्स का सेंसस सीतापनी का था 2018 में। 52 टाइगर्स, 52 टाइगर्स का 2018 में। और बड़े ही होंगे तो अब तो, उसका बच्चों को तो काउंट ही नहीं करते ना। कब और होंगे? हाँ। अच्छा, हमें हाथों को स्टिक नहीं रखना चाहिए? हाँ, है अभी दिखाने वाला है पाइप जो इनके हाथ में। अच्छा, वो सिर्फ आप तो, अब चाहें अगर टाइगर और लेपर्ड अगर अपने अटैक करने पे आ जाए
तो फिर आप एक दिल की तसल्ली होती है ठीक हाँ कि आपके हाथ में कोई डंडा है। कोई डंडा है। आपने सुना होगा अभी जैसे खटीमा में भी अटैक किया था किसान पे, तो 16 राउंड्स फायर किए थे, डेड बॉडी से नहीं हटा था वो। अच्छा हाँ, मारने के बाद तो नहीं हटता। हाँ नहीं, वैसे भी अगर वो किल कर रहा है, अब आप यही देखो ना, घर में अगर आप खाना किसी कुत्ते को देते हो, डॉग को भी, उस पे हाथ दोबारा खुद ही लगाने जाते हो तो कैसे गुर्राता है? वो करता है वो। हाँ, तो अगर वो मारने पे आ जाएगा तो रात को यहाँ पर भैंस मारी थी ना टाइगर ने, तो किल से हटा ही नहीं हो। हाँ, किल से तो नहीं हटा। तो विभाग वाले फिर रात को नहीं आए, फिर दूसरे दिन सुबह आए। अच्छा, फिर हम भी गए थे, तब हट गया था वहाँ से। तो किल था या किल को लेके हट गया? ना, किल वहीं पर था। किल का वही तो वीडियो बनाया, किल का तो अपने वीडियो शायद बनाया हुआ है ना। हाँ, मैंने वो सुनील जी की वीडियो में देखा है मैंने। हाँ, सुनील जी भी आए थे दूसरे दिन। उनके उनके वीडियो में मतलब पुराना वीडियो था वो जो वीडियो था उनके वीडियो में मेरा वाला भी आपका था। हाँ, ये जो हाथी हाथी आते हैं ना, जो वीडियो मेरे चैनल पे जो है, बस हाथी अभी जो आए थे 4-5 दिन पहले, वो यहीं से बचते हैं। अच्छा, इस वाले लेपर्ड और टाइगर की मूवमेंट रात को आपको दिखेगी ना, वहाँ से देखो आप, वहाँ टेरेस पे होंगे जो वो 3 टंकियाँ अपनी रखी हुई हैं, उसके साथ में वो जो डिश टीवी वाला लगा हुआ है, वहाँ चेयर लगा लेना। बार बार आपका सर्च लाइट वहाँ चार्ज हो रही है, बार बार मत मारना। जब आपको, जब पीछे डॉग है वहाँ पे, जब वो बाग करेगा बहुत तेज, तो आपको पता लग जाएगा उसने सेंस कर लिया है। तब उस टाइम पे ये वाली जो जितनी लेयर्स है, इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे करके मारना शुरू करना सर्च लाइट। तो जैसे मैं वीडियोज बनाता हूँ मेरे चैनल पे है ना, वैसे आपको भी साइटिंग होने के चांसेस है। आजकल आ रहे हैं वैसे जानवर बहुत। अच्छा, क्योंकि नदी में पानी भर गया ना नीचे, उसमें जंगल में, तो जानवर रात को ऊपर आता है अपने आपको बचाने के लिए। इधर से इधर आता है? नहीं नहीं, इधर से आता है, इधर से आता है, यहाँ आ जाता है रात को, और यहीं पे फिर सारी एक्टिविटी चलती है इस वाले पे पूरा। अच्छा, अभी आप शायद हम ध्यान से अभी सुन रहे थे, अगर अभी कॉलिंग नहीं हुई है, लेकिन मोस्टली इस टाइम पे, आज पता नहीं क्यों नहीं कॉलिंग नहीं हो रही है, पीकॉक की कॉलिंग शुरू हो जाती है इस समय, इस टाइम पे होने लगती है। अच्छा, अगर आपको पैक पैक आवाज़ आनी शुरू होगी ना अभी, तो आप समझ जाना पीकॉक ने सबसे पहले देख लिया लेपर्ड। अच्छा, टाइम भी लग जाएगा, और दूसरा अभी बहुत ज्यादा डेंजरस है, वहीं तो टाइगर ने किल कर रखा है। अच्छा हाँ, इस टाइम पे वहाँ निकलना मौत को दावत देने के बराबर है। ये जो नीचे बड़ा पेड़ दिख रहा है ना, नीचे को एक पेड़ बीच में और दोनों साइड पे उसके ब्रांचेस हैं। ये उसका फेवरेट प्लेस है यहाँ पे बैठने का, लेपर्ड का। लेपर्ड का उसी पेड़ पे बैठा है, घूमने में जाते हैं ना गांव वाले, उस पर पैर लटका के बैठा होता है। ये यहाँ पे रिवर भी दिख रहा है यहाँ से। हाँ, अभी आगे चलते क्या तो अभी ये नीचे अब पानी दिखना शुरू हो गया नीचे, क्लियर फेसिलिटी है, इसी पानी की आवाज़ आ रही थी हमें। नीमा देवी का घर वो है सबसे लास्ट वाला। अच्छा, वो जो एक लाइट लगी है सोलर वाली ना। हाँ, वो वाला घर उनका है नीमा देवी। अच्छा, का जो टाइगर अटैक्स यार, जो ज्यादातर जो रोरिंग की आवाज आती है, रोर करने की, जो वीडियोस वगैरह आपने देखी भी होगी सारी, वो उन्हीं के गेट पे जाता होता है, क्योंकि सबसे लास्ट घर उनका यही है। अच्छा, उन्हीं का घर है सबसे लास्ट में। फेंसिंग किया हुआ है वहाँ पे? फेंसिंग, हाँ, सोलर फेंसिंग ऐसी हो गई है ना, अब हो गया है, अब अंदर तो वो सेफ है, लेकिन बाहर तो अभी मारा ना भैंस को, वहीं तो मारा है जस्ट उनके बैक साइड पे। ओके, तो चलिए आपको एक बहुत डेंजरस जगह पे लेके चलते हैं। हाँ, इस टाइम पे मोस्टली हम जाते नहीं हैं। अच्छा, तो रास्ते लेके चल रहे हैं, दो रूट है, एक रूट है गांव के अंदर अंदर से निकल जाना, जहाँ भैंस मार रखी है वहाँ पे। दूसरा रूट है जंगल से पूरा ट्रैक करते हुए जाना। हाँ, तो हम जंगल के रूट से चलेंगे, जंगल के डेंजरस रूट से चलेंगे। देख हमारे को कुबेर जी लेके चलेंगे। गड्ढा किस लिए? हाथियों के लिए कर रखा है ना, आगे दीवार भी बना रखी है, एलिफेंट दीवार, हाथी दीवार कहते हैं गांव वाले। ओके, बट हाथी आ गए अभी। हाथी आ गया। हाँ, आ गया, उसको क्या है, रोक लेगा ये गड्ढा। सही है, हाथी पहाड़ चढ़ जाता है वो, मतलब हैबिचुअल नहीं हो इसलिए होता होगा, बाकी उसको रोक तो कोई नहीं सकता, जब आने का मन होगा तो आ ही जाएगा। और अब हम लोग प्रॉपर जंगल के अंदर घुस गए, को नीचे देख के मालूम चल रहा होगा कि हम लोग चल कहाँ रहे हैं। इस मौसम में प्रॉब्लम रेप्टाइल से होता है, पाइथन होता है ना। हाँ, रॉक पाइथन। हाँ, उसका घर देख लेंगे। ये होल जो है देखो अंदर तक कहाँ तक गया है। अरे भाई साहब, इसमें होगा क्या अंदर? अभी हो सकता है। अरे भागो यार, हो सकता है, अरे भागो यार। यही मूवमेंट पे टाइगर लेपर्ड,
हाँ यार थोड़ा शाम ज़्यादा हो गया आज। वो आपने लकड़ी हटाया ना अभी, उसके नीचे से बहुत सारी दीमक निकली। जितनी भी लकड़ियाँ पकाओगे ना, हाँ हाँ ये देखा है मैंने, लकड़ियाँ दीमक बहुत लगता है यहाँ पर। एक बार हम लोग आए थे तो गांव का एक कुत्ता था बड़ा प्यारा सा, हाँ उसके साथ में खेलता रहता था, हाँ यहाँ पर लपड़ ने मार के खाया था गाँव से उठा। अरे यार यहाँ मारा था। मुझे लगता है कुत्ते यहाँ दिखते भी कम है। जो दिखते हैं थोड़े दिन के लिए दिखते हैं, है ना, पालतू कुत्ते तो उठा लेते हैं लेपर्ड। हाँ वो तो घर में घुसते उठा लेते हैं, रोड पे क्या छोड़ेंगे। अभी रात को देखना, अगर कल ही तो दिखा है मुझे लेपर्ड, हाँ अगर आराम से अब रात को बैठते ऊपर, हाँ आज लेट तक ऊपर अपना वो मारेंगे सर्च लाइट। बिल्कुल बिल्कुल, कल तो मुझे दिखा है, अगर आप उस टाइम पे होते, हाँ कल होते तो हो क्या वीडियो बनती लेपर्ड की दो बार। ट्रैक है दूर पे टाइगर लेपर्ड बैठा होने क्या दिखेगा। क्या हुआ नहीं अच्छा, हाथी दीवार, हाँ हाथियों के लिए बना हुआ है, हाथी को रोकने के लिए है, लेकिन लेपर्ड और टाइगर इसी पे चढ़ के जंप मारते हैं गांव में। हाँ लेपर्ड टाइगर तो क्रॉस कर ही जाएंगे, इसके पंजों के निशान मिलेंगे हमें, हम यहीं से निशान मिलेंगे। अच्छा जंगल में भी पंजे एक डेढ़ किलो निशान मार रखे हैं टाइगर में जा रखे हैं। क्या ये देखो जो भागता है ना जानवरों के पीछे रन करता है ना, हाँ तो उसके नाखून होते हैं ना, हाँ निशान निशान लगते हैं। पैर यहाँ पर ड्रॉपिंग कर रखी है टाइगर ने अपने, ये आने का रास्ता है उसके, ये टाइगर का आने का रास्ता है। ये सब लेपर्ड टाइगर काकड़ स्पॉटेड डियर सब यहाँ चार रास्ते हैं यहाँ पर, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अच्छा यहाँ से निकलता है फिर अंदर जंगल के अंदर गाँव के, उनको पंजा दिखा देंगे, वो पंजा मार रखा है पंजे ऐसे ही पे मार रखी है आगे, तो वो जगह मिलेगी। रिस्की है थोड़ा, छोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये जंगल के अंदर है नंबो का भी, अब हम जंगल के अंदर, मतलब ये पूरी तरह से टाइगर टेरिटरी है पूरा, जो जो टाइगर यहाँ पे मार रहा है वो यहीं तो मार रहा है। अच्छा दीवार पे तो मार रखा है ठीक है, जब जानवर निकलता है ना, अच्छा अच्छा यहाँ से पास करता है या फिर हिरन के पीछे भागता है दौड़ने का, हाँ दौड़ता है तो ये तो ताज़ा लग रहा है। हाँ तो मैं बोलता रहा हूँ अभी यहाँ पे बिल्कुल टाइगर टेरिटरी नहीं है, यहीं तो मार रखा है भैंस को, यहीं पर किल कर रखा है, बस यहीं किल कर रखा है थोड़ा सा आगे। अच्छा हार्डली 100 meters भी ज़्यादा बोल रहे हैं। कहाँ से? यहाँ से वहाँ से अंदर से निकल जाए वो वाला पीछे वाला लेपर्ड वाला जहाँ मदन को दिखा था परसों, पेड़ हल्दू वाला अंधेरा नहीं होता। हम थोड़ा अंदर चले, आज यहीं से चलते हैं, यहाँ से यहाँ गए नहीं अभी तक। खतरा किधर से, इधर से कि उधर से? खतरा आप खतरे पे खड़े हो बस, खतरे पे ना, ये नहीं देखना कहाँ खतरा है, कहीं से भी उछल के आएगा। अब टाइगर लेपर्ड नहीं, टाइगर आएगा। क्या ये गड्ढा हो गया है, जो सांप जैसे हुआ ना बिल, तो सांप वगैरह फिर जो उनका खेल देता है जहाँ हम रहते हैं उसके अंदर। अभी
ये दीवार पे कुछ पंजे लगे हुए हैं, उधर जाएंगे पंजे का निशान दिखेगा। टाइगर ऊपर से तो वार करा था उसने, उसी पे चढ़ के तो वो कूदा है। हम मतलब अभी जंगल के अंदर एंटर कर गया है, दीवार के भी अंदर, टाइगर टेरिटरी के अंदर चल रहे हैं सर। अच्छा, आप टाइगर टेरिटरी के अंदर हैं, अभी मेरी स्पीड थोड़ी कम हो गई है, एक तो दोपहर का टाइम हो रहा है, हमको समझे भी। ये देख रहे हो आप, ये सब दौड़ने के, ये दौड़ भाग के लेफ्ट उसके नीचे जो भागता है ना पकड़ वगैरह, इसको बारिश का पग मार्क नहीं दिख रहे हैं, मैं तो उसी का पग मार्क लगे होते हैं। बारिश के कारण पग मार्क धुल गए होंगे ना सारे, यहाँ पांच टाइगर, पांच इस जगह पे जिस पे हम चल रहे हैं, जिसकी टेरिटरी है इस जगह पे, हाँ, मेल फीमेल और तीन बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, तो डर इसलिए लगता है क्योंकि उस दिन जब मैंने वो जो बनाई है उसमें मेल फीमेल दोनों के पंजे देखा आपने वीडियो के अंदर। ये किसी से काटा, ये साही का है क्या? हाँ, ये साही से ही है ना। हाँ हाँ, उठा लो उसको, उठा सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे पड़े हैं, मैं तो अपने लॉन में भी रखता हूँ, अगली मुझे रखना चाहिए उसको। हाँ, ये इसको ले जाके जादू टोना करते हैं। हाँ, ये यूज होता है इसमें साही के, ये जो डंडी है वो, हाँ, किसी के ऊपर अगर कहते हैं वशीकरण करना हो। दूसरा ये है कि इसको अपने घर में भी नहीं रखना, देखो कितने सारे, एक नहीं है, देखो ये है, वो है आपके पैर के पीछे, देखो वो है, ये है, ये छोटा है उसका। एक्चुअली क्या होता है, जब इसको खतरा होता है ना, तो जब इस पर लेपर्ड या टाइगर अटैक करता है, वीडियोज में देखा होगा, तो ये उसको चुभाने के लिए फैला लेता था। हाँ, फैला फैला के उधर कोई घूमता है अपना बैक पोर्शन करके, फेस नहीं, अपना बैक पोर्शन जैसे करता है, पीछे पीछे करता था। जो भैंस जो किल किया टाइगर ने, लेकिन खा गया होगा अब तक, लेपर्ड के जो मार्किंग होते हैं वो टाइगर लेपर्ड दोनों करते हैं, टेरिटरी मार्किंग से करते हैं। अच्छा, टेरिटरी मार्किंग दो तरह से करता है ना, सेंट मार्किंग एंड क्लॉ मार्किंग। अच्छा, क्लॉ मार्किंग जो पंजे से करता है वही ना। हाँ, क्लॉ मार्किंग देखो, काकड़ के ना हिरन स्पॉटेड अगर जो आते हैं, उन सबके यहाँ पे खुर लगे हुए देखो पूरे में। कहाँ पे? ये देखो, ये सारे खुर लगे हुए हैं। अभी रात को इनकी मूवमेंट शुरू होगी ना, घर छत पर से देखना कितने हिरन दिखेंगे आपको। यहाँ आता है इसमें सर्दियों में ट्रैकिंग का मज़ा, इस वाले पे, इस पे कम से कम 3-4 किलोमीटर अंदर। लेकिन ये सर्दियों में या गर्मियों में जब ये साफ होता होगा ना ये मैदान, ये तो कितने हैं देखो, फिर भी ठीक रहता होगा ये तो दौड़ने भागने के है ना। हाँ, भागते टाइम उसका जो हिरन है ना, देखो हिरन के जो पैर का साइज है ना, ये जब वो घिसटा है ना, फिर फिसला है, उसके पीछे लेपर्ड या टाइगर भागा होगा। हमारे कुबेर जी को आप नहीं रोकोगे ना, 20 किलोमीटर तक भी नहीं। हाँ, तो कुबेर जी के साथ मैं जा रहा हूँ, हमारी लाइफ अभी लेपर्ड के साथ बच्चा है या टाइगर? दोनों के साथ है, लेपर्ड के साथ जो टाइगर के साथ जो लेपर्ड है यहाँ पे हमारे, वहाँ पे एक मेल है, फीमेल के साथ दो बच्चे दिख रहे हैं। अच्छा, टोटल 4 है, और जो टाइगर है वो मेल फीमेल के साथ 3 बच्चे थे। अच्छा, वो बच्चे बहुत दिनों से नहीं दिख रहे हैं, मेल फीमेल दिख रहे हैं, बच्चों ने हो सकता है अपनी टेरिटरी बना ली हो कहीं। हाँ, तो बड़े हो गए होंगे, 2 साल ऊपर हो गए होंगे। तक तो उन्होंने एक ही दिन में 4 बैल और 1 गाय मारी थी, एक ही दिन, पूरी फैमिली ने मिलकर। अच्छा, हाँ, वो कौन सा गांव है ऊपर मौजली के ऊपर जो गांव है, अंदर जाकर रपटे से पहले, पाटकोट वाले, पाटकोट रपटे से पहले उल्टे हाथ को गांव नहीं है ऊपर। हाँ, उसका मदन को नाम पता है, हम गए थे, हमने वीडियोस बनाई थी वहाँ पे, जिनकी गाय भैंस को मारा था ना, उनकी भी बनाई थी। अच्छा, ये है ना दीमक का पेड़। हाँ, जो है दीमक का, दीमक की बाम्बी। हाँ, दीमक की, या आप इसको बोल सकते हैं टर्माइट हिल। हाँ, टर्माइट हिल, टर्माइट हिल। आवाज़ ना करेगी